बीसीसीआई ने चौथे टेस्ट मैच के लिए घोषित की नई भारतीय टीम। अहमदाबाद में भारतीय टीम ने चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त हासिल करने के लिए तीसरा टेस्ट 10 विकेट से जीता। अब निर्णायक और चौथे टेस्ट के लिए भारत और इंग्लैंड एक बार फिर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दूसरे से खेलेंगी। चौथे टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम 3-1 से श्रृंखला पर नजर रखेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम इस मैच को स्वीप करके सीरीज में बचने की कोशिश करेगी। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में एक बदलाव देखा जा सकता है। पिछले दो मैचों के लिए टीम में शामिल तेज गेंदबाज उमेश यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। भले ही भारत के तेज गेंदबाजों ने पिछले दो टेस्ट मैचों में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन इसके तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को चौथे टेस्ट में आराम दिया जा सकता है। इस स्थिति में उमेश यादव अंतिम टेस्ट में ईशांत शर्मा की जगह ले सकते हैं, जबकि रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी बदलने की संभावना नहीं है। वहीं बल्लेबाजी क्रम में एक बार फिर से वही नाम देखने को मिल सकते हैं। भारतीय प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली कप्तान, रहाड़े, ऋषभ पंत विकेट कीपर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, उमेश यादव, जसप्रीत। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।